Follow me. Come. Aye, आप भी आइए. Oh, hi. Yes, thank you. Hi, Kalpana. Kalpana, तुमने ठीक से तो इनवाइट किया था? हाँ, सर. सच में? अगर वो यहाँ आ गए, तो सब पागल हो जाएंगे. और अगर वो ना आए तो मैं पागल हो जाऊंगा. मैडम 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 कोट रेडी है, आप ओके बोलेंगी मैं पहन के यूं घूम के सामने से आ जाऊंगा. मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली है. आई एम संजय सिंघानिया. हेलो संजय. हाय सिंघानिया. बेवकूफ कहीं का. हाय कल्पना. हाय. ये कार लेकर आया. मैं इस कार का भाड़ा नहीं दूंगी. थैंक यू. कमाल हो गया, अभी तक उसने एक्टिंग शुरू भी नहीं की और ये सारी बेवकूफ उसे संजय सिंघानिया समझ रहे हैं. यस. हाय डार्लिंग. सॉरी आई एम लेट. माय गॉड यू लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू. हेलो सर. Sorry. Welcome sir. Welcome. Thank you. Myself Satish Koli. कल्पना जी का डायरेक्टर हूँ. इस एड फर्म का मालिक हूँ मैं. हेलो सर. थैंक यू सर. वेरी गुड. अब कल्पना जी को मैंने ही जोर दिया था आपसे हाँ कहने के लिए. अच्छा तुमने बताया नहीं? हाँ सर बताया था ना. हाँ. सर हमने आपका आर्टिकल पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में. I fully agreed with your foreign policies. देखिए सर प्लीज आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए. प्लीज आइए सर. डिनर रेडी. छप्पी मार रहा है. सर आपके सामने पप्पी ले रहा है. नहीं 100 एड्स कर चुकी हूँ. 90 ग्रुप 10 सोलो. अपने सीनियर्स की इज्जत करना सीखो वरना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे. भरोसा नहीं हो रहा मुझे. क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे. क्यों नहीं हो रहा? इतना बड़ा आदमी हमारे बीच बैठा है. ओह लेकिन बैठा तो है ना. एक्सक्यूज मी, जरा बर्फ मिलेगी? तुम्हारे लिए इतना ठंडा बहुत है. मैडम ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, पकड़ा जाएगा. पहले तू जा यहाँ से. एक्सक्यूज मी सर, हम दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आए हैं. ये एक अनाथ लड़कियों की संस्था है. हाँ तो अगर आप कुछ चंदा दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी. अरे आजकल पैसे लेकर कौन घूमता है सर. चेक भी चलेगा. चेकबुक लेकर पार्टी में कौन आता है मैडम. क्या कर रहे हो? किसकी चेकबुक है तेरी? लाउड ओवरएक्टिंग बस करो. 5 लाख पागल हो गई तुम. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट. सर ये हमारी लीडिंग मॉडल है सुंदर. कल्पना ने आपके बारे में इतना बताया. और भी लोग हैं ना. हेलो सर, आई हैव रेड योर आर्टिकल्स इन. सर आप फिर आ गए सर. आप प्लीज. तुम संजय सिंघानिया उन्होंने पार्टी लिया. या तो मैं बहुत समझदार हूँ या दुनिया बहुत बड़ी बेवकूफ है. I love you. क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये एकदम से क्या? एकदम से नहीं। मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं। मुझे थोड़ा सोचने दो। मैं कल बताऊं? और अगर मैं ना कहूँ तो बुरा मत मानना। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। उसकी नज़रों में मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी रहकर ही मैं उसका प्यार जीतना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने उसे आज तक अपनी असलियत नहीं बताई। कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तब मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूँ। लेकिन अगर वो इनकार करती है तो सचिन रहकर ही उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अब मुझे सिर्फ कल का इंतज़ार है। ये डायरी दिसंबर 31 तक की है। अगले दिन नया साल था, 2006। ए, ए, ए! अगले दिन क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या हुआ उस लड़की को? और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? ए, ए, स्पीक अप! Hello sir, I'm your manager, Pankaj Saraf. Hello Sanjay, I'm your doctor, Dr. Pastewadia. नींद पूरी नहीं आती है, लगता है रात को बहुत देर तक जागते हो। सर, मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, आप ऑफिस नहीं आते, it's okay, no problem. पर अपने बंगले में तो चल कर रही है, इस छोटे से फ्लैट में क्या रखा है सर? सर, आपकी देखभाल के लिए एक नर्स और ड्राइवर भेज दें यहाँ प्लीज। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, थैंक यू। सर आप यहाँ कैसे? ये तो हमारा कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम है। ओह आई एम सॉरी सर, आप मुझे नहीं जानते। नहीं नहीं मतलब आप मुझे जानते हैं, मैं आपसे मिल चुकी हूँ। ये संजय सिंघानिया है, देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। चल टाइम हो गया, एक मिनट यहाँ, चल लेट हो जाएगा सुनीता। लेट्स गो। मेरा परफॉर्मेंस देख के मेरा मन जाना, दूसरा गाना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज काम डाउन, शांति बनाए रखें प्लीज। देखो मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे आज के चीफ गेस्ट जीडी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक यहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोग तो जानते हैं इन्होंने हमारे कॉलेज को पूरे तरीके से सपोर्ट किया है, तो मैं ये चाहूँगा आप पूरे जोश के साथ इनका स्वागत करें। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम मिस्टर गजनी धर्मात्मा।